हरियाणा ने एक होनहार कबड्डी का खिलाड़ी खो दिया है। करनाल में हुए सड़क हादसे में सीख पाथरी पानीपत के रहने वाले रवि की दर्दनाक मौत हो गई। रवि के परिजन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि रवि की सेक्टर 4 के समीप सड़क हादसे में चोट लग गई है, जिसको तुरंत आसपास के लोगों ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर कुछ देर बाद पहलवान रवि की मौत हो गई। पहलवान गांव बस्ताड़ा में होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया हुआ था और अपने रिश्तेदारों के यहां रुका हुआ था, परंतु इस सड़क हादसे से रवि की मौत हो गई, जिससे उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। रवि के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आह्वान करते हुए कहा कि दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आए दिन हो रहे हादसों से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है और लोग अपनों को खो देते हैं। इसलिए सड़क नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर सामने CCTV फुटेज में यह दुर्घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा था कि वाहन चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।